शर्त है, कौन कौन सी होती है देखे में। सबसे पहले नंबर वन पॉइंट है आपका, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। इसका मतलब है जो राष्ट्रपति जो भी बनेगा वो ना तो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए और ना ही आपका लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। जी, यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उस तारीख को खाली कर दिया जिस तारीख को वह राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करता है। बड़े रिवाइज कर दो उसे। अगर वो कोई भी सदस्य, अगर ऐसा कोई सदस्य राष्ट्रपति बन भी जाता है मान लीजिए, तो उसको जिस दिन वो राष्ट्रपति बनना है उस दिन से यह समझा जाएगा कि जिस भी मतलब पद पर वो था लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उसी दिन अपना पद उसने खाली कर दिया। किस दिन? जिस दिन उसने शपथ ली। शपथ, इसका मतलब ये समझ आया? जी, देखो राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे बड़ी शर्त यह है कि ना वो लोकसभा का सदस्य होगा ना वो राज्यसभा का सदस्य होगा। अगर बाय चांस इन केस ऐसा हो जाता है कि वो राज्यसभा का सदस्य है, तो जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेगा उसी दिन से यह मान लिया जाएगा कि जो राष्ट्रपति सदस्यता जब जिस दिन उसने ली है उसी दिन अपना पद उसने खाली कर दिया जी, उसकी जगह कोई दूसरा सदस्य आ जाएगा। इसका मतलब ये समझ आया आपको? फिर आपका 60 आर्टिकल 60 कहता है राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? ये कहते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होंगे वो, सॉरी जज होंगे, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। शपथ। फिर है लघुकरण। अब ये शपथ कौन कौन, मतलब उसके बाद में जो राष्ट्रपति को कौन कौन से, जो छह जज होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, हाँ छह, हाँ वही दिलाते हैं। उसके बाद में कि राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, तो सजा करने के अधिकार देख लेते हैं। सबसे पहले कम करने वाले यह है आपका लघुकरण, सजा की जो प्रकृति है बदलना। मान लीजिए मृत्यु दंड दे दिया गया, ये कह दिया गया कि तो फांसी की सजा होगी, तो राष्ट्रपति उसको कम कर सकता है। उसको कम करके क्या कर देंगे? कठोर कारावास, एक मतलब कि जिंदगी भर आपको जेल में ही रहना है, लेकिन उसको फांसी की सजा नहीं। फिर आपका परिहार, सजा की जो अवधि है बदलना। मान लीजिए सजा मिली है 2 साल की, तो उसको 1 साल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे कि अपंगता है या गर्भावस्था है, तो इस समय में सजा को कम कर सकते हैं। फिर आपका प्रतिलंबन, किसी दंड को कुछ समय के लिए टाल दिया गया। मान लीजिए फांसी होने वाली थी 3 तारीख में, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। फिर आपका क्षमा, यह है पूर्णतः माफ, मतलब इसका अपराध है कि कभी हम ये कह सकते हैं किसने कभी अपराध किया ही नहीं, उसको माफ कर दिया अगर चाहे तो, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं।